नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है, बहुत बड़ी खबर आपके लिए आ गई है। हार्दिक पांड्या ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर शतक ठोक डाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 37 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने शतक ठोक कर आईपीएल से पहले अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि अब वो पूरी तरीके से फिट हैं। जिस तरीके से हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो सभी को ये चेता रहे हैं, विपक्षी टीमों को ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या से जरा बच के, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोट के बाद धमाकेदार वापसी कर चुके हैं और जैसे ही आईपीएल में उन्हें मौका मिलेगा, जैसे ही अपने हाथ पर वो पल्ला थामेंगे, क्रीज में पहुंचने का उन्हें मौका मिलेगा, तो विपक्षी गेंदबाजों की खैर नहीं है। अपनी इस इनिंग में, इस 105 रनों की इनिंग्स में उन्होंने 10 ताबड़तोड़ लंबे लंबे छक्के भी लगाए हैं। जी हां, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में अपने बल्ले से गदर मचा रहे हैं और आज तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल दी है। मंगलवार को CAG के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने महज 37 गेंदों पर शतक ठोक दिया। जी हां, ठीक वैसे ही जैसे शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला, जो सबसे तेज शतक था, वो 37 गेंदों पर ही ठोका था, ठीक उसी तरीके से हार्दिक पांड्या ने T20 में ये तेज शतक ठोक दिया है। 37 गेंदों में ये शतक ठोक दिया। अपनी इस शतकीय पारी में हार्दिक पांड्या ने 10 ताबड़तोड़ छक्के लगाए हैं। सोचिए, 60 रन तो उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर ही बना लिए। रिलायंस वन टीम की ओर से खेल रहे हार्दिक पांड्या ने कुल मिलाकर 39 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 105 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 269.23 रहा। पांड्या की इस तूफानी पारी में, पांड्या की इस धमाकेदार पारी में 10 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, रिलायंस वन टीम के लिए पांड्या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उन्होंने आते ही चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। पांड्या ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सोचिए, अर्धशतक पूरा करने में पांड्या ने 25 गेंदें ली, लेकिन बाकी के 50 रन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों पर ठोक डाले। मिड विकेट पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक लगाया। मिड विकेट पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक लगाया। तब उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया था और उसके बाद तो पांड्या के बल्ले से ऐसा लग रहा था हर गेंद पर चौका छक्का बरसात होनी शुरू हो गई। सिर्फ 12 गेंदों पर पांड्या ने 50 रन ठोक डाले। बाकी का जो 50 रन थे, यानी शतक के लिए जो 50 रन चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 12 गेंदें ली। पांड्या ने अपनी पारी में 10 छक्के और 8 चौके लगाए। 15वें ओवर से 17वें ओवर में 3-3 छक्के लगाए। जी हां, अर्धशतक पूरा करने के बाद पांड्या की बल्लेबाजी का यह आलम था कि उन्होंने लगभग हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू कर दिया। पांड्या ने 15वें ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 26 रन ठोक डाले। इसके बाद उन्होंने 17वें ओवर में एक बार फिर से 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया। पांड्या ने अपना शतक भी छक्के के साथ ही पूरा किया। हार्दिक पांड्या की इस तूफानी पारी के दम पर रिलायंस वन की टीम ने CAG के खिलाफ 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 252 रन ठोक डाले। हार्दिक के अलावा अनमोल प्रीत सिंह ने 88 रनों की पारी खेली, वहीं शिखर धवन खाता भी नहीं खोल पाए। सौरभ तिवारी की बात करें तो वो 26 रनों पर आउट हुए। तो हार्दिक पांड्या इन सभी सितारों के बीच सबसे बड़ा सितारा बनकर उभरे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने कमर की चोट के बाद मैदान में वापसी की है। 5 महीने बाद क्रिकेट के मैदान में लौटे हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया है।
पांड्या ने पहले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजी में उन्होंने 25 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली थी, साथ ही साथ 26 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। अब उन्होंने दूसरे मैच में अपने बल्ले से गदर मचाकर साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो अब टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आईपीएल में चौंक जाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, और विपक्षी गेंदबाजों पर उनका आतंक अब मचने वाला है। तो तैयार हो जाइए, हार्दिक पांड्या इज बैक।